चैप्टर सिक्सटीन ऑग्जिलियरी वर्ब्स अंग्रेजी भाषा में वर्ब्स के दो वर्गों यानी क्लासेस में बांटा गया है वर्ब्स लेक्सिकल वर्ब्स ऑग्जिलियरी वर्ब्स ऑग्जिलियरी वर्ब्स को पुनः तीन भागों में बांटा गया है प्राइमरी ऑग्जिलियरी वर्ब्स मॉडल ऑग्जिलियरी वर्ब्स मार्जिनल ऑग्जिलियरी वर्ब्स नंबर वन लेक्सिकल वर्ब्स वे वर्ब्स जो सेंटेंस में मेन वर्ब्स के रूप में प्रयुक्त तो होते हैं जिसका V1, V2, V3, V4, -ing फोर फॉर्म तथा V5 s या es फॉर्म के फॉर्म में प्रयोग होता है तथा जिसका अर्थ स्वतंत्र होता है लेक्सिकल वर्ब्स कहलाते हैं इसे ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहा जाता है जैसे टू गो टू ड्रिंक टू लाफ टू रन टू वॉक टू ईट एटसेट्रा इन वाक्यों में लेक्सिकल वर्ब्स के प्रयोग को देखें और समझने की कोशिश करें आई राइट अ लेटर विद इन ब्रैकेट वी वन राइट ही रोट अ लेटर वी टू रोट ही हैज नॉट रिटन अ लेटर वी थ्री रिटर्न ही इज राइटिंग अ लेटर वी फोर राइटिंग ही राइट्स अ लेटर वी फाइव राइट्स टू ऑक्सिलियरी वर्ब्स वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होकर क्वेश्चन नेगेटिव तथा टेंस बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटी संभावना तथा विलिंगनेस इच्छा को एक्सप्रेस करने का कार्य करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है जैसे नंबर वन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स टू डू टू हैव टू बी टू मॉडल ऑग्जिलरी वर्ब्स कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट ऑट टू थ्री मार्जिनल ऑक्जिलियरी वर्ब्स यूज टू नीड डेर इन वाक्यों में ऑग्जिलियरी वर्ब्स के प्रयोग को देखें और समझने की कोशिश करें जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर यू डोंट लाइक हर आई एम रीडिंग अ बुक डू यू स्पीक इंग्लिश हर फादर मे कम टूडे इट माइट रेन टूडे ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स इन सेंटेंसेज में इज मेन वर्ब राइटिंग के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाता है एम मेन वर्ब रीडिंग के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाता है डू मेन वर्ब लाइक के साथ नेगेटिव बनाता है डू मेन वर्ब स्पीक के साथ क्वेश्चन बनाता है मे मेन वर्ब कम के साथ पॉसिबिलिटी यानी संभावना बताता है माइट मेन वर्ब रेन के साथ पॉसिबिलिटी बताता है कैन मेन वर्ब लिफ्ट के साथ कैपेसिटी पावर या एबिलिटी बताता है पता इज एम डू मे माइट कैन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं नोट फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे एम इज आर हैज हैव एटसेट्रा का प्रयोग सेंटेंस में स्वतंत्र रूप से मेन वर्ब के रूप में भी होता है जैसे आई एम एन एडवोकेट एम यूज एज मेन वर्ब शी इज अ गुड गर्ल इज यूज एज मेन वर्ब यू हैव अ वॉच हैव यूज एज मेन वर्ब ही वॉज अ नॉनेस्ट मैन was used as main verb they are industrious are used as main verb second auxiliary verbs be do have need and dare ka prayog lexical verbs ke roop mein bhi hota hai Jaise, he was doing his work doing used as lexical verbs i have written a book have used as lexical verbs she needs your help needs used as lexical verbs he dares to go there dares used as lexical verbs प्रयोग तथा बनावट के दृष्टिकोण से ऑक्सिलरी वर्ब्स को तीन भागों में बांटा जा सकता है नंबर वन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स थ्री मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स नंबर वन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स वर्ब टू बी जैसे बी एम इज, आर वॉज बीन बींग वर्ब टू हैव जैसे हैव हैज हैड हैविंग तथा वर्ब टू डू जैसे डू डज डिड को प्राइमरी ऑग्जिलरी वर्ब्स कहा जाता है टू मॉडल ऑग्जिलरी वर्ब्स कैन कूड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट ऑट टू को मॉडल ऑग्जिलरी वर्ब्स कहा जाता है थ्री मार्जिनल ऑग्जिलरी वर्ब्स यूज टू डेयर एंड नीड को मार्जिनल ऑगजिलरी वर्ब्स कहा जाता है सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ ऑगजिलरी वर्ब्स रूल वन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब्स के रूप में नहीं होता है इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में होता है जैसे यू कैन हेल्प मी ही विल गो देर टमोरो इट मे रेन टूडे शी कूड पास दी एग्जामिनेशन वी मस्ट रिस्पेक्ट आर एल्डर्स रूल टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का V1, V2, V3, V4, ING वी फोर आई वी फाइव फॉर्म्स नहीं होते हैं इसका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है अर्थात इसके रूप यानी फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश वी कैन स्पीक इंग्लिश यू कैन स्पीक इंग्लिश ही कैन स्पीक इंग्लिश दे कैन स्पीक इंग्लिश रूल टू कम्पलीटेड रूल थ्री सामान्यतः मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ एम वी वन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग होता है अर्थात इन्फेनेटिव विद टू का प्रयोग नहीं होता है जैसे आई कैन गो गो वी वन करेक्ट आई कैन टू गो इन करेक्ट टू गो इनफेनेटिव विद टू ही विल कम हियर करेक्ट कम वी वन ही विल टू कम हियर इन करेक्ट टू कम इन्फिनेटिव विद टू इट माइट बी ट्रू करेक्ट बी वन इट माइट बी ट्रू टू बी इन्फेनेटिव विद टू इन करेक्ट पेज टू हंड्रेड फोर्टी फोर रूल फोर ऑट तथा यूज के बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग होता है जैसे वी ऑट टू हेल्प द पुअर करेक्ट वी ऑट हेल्प द पुअर इन करेक्ट ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग करेक्ट ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग इन करेक्ट रूल फोर कंप्लीटेड रूल फाइव डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ग के रूप में होता है जैसे ही नीड्स माई हेल्प नीड यूज एज मेन वर्ब शी ड नॉट डेयर टू गो देर डेयर यूज एज मेन वर्ब रूल फाइव कंप्लीटेड रूल सिक्स वर्ब टू बी का प्रयोग कॉन्टीन्यूअस टेंस में एम वी फोर प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है जैसे ही इज टेकिंग कॉफी आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट शी विल बी डांसिंग रूल सिक्स कंप्लीटेड रूल सेवन वर्ब टू बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में एम वी थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है जैसे अ लेटर वॉज रिटन बाय मी माई वॉच हैज बीन स्टोलन अ बुक हैड बीन रिटन बाय हिम रूल सेवन कम्पलीटेड रूल एट वर्ब टू बी का प्रयोग पैसे वॉइस में इनट्रांजिटिव वर्ब्स के वी थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है जैसे द सन हैज कम डाउन सूरज निकल गया है समर इज गॉन ग्रीष्म चला गया है रूल एट कम्पलीटेड रूल नाइन डू डज डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है जैसे ही डज नॉट वॉन्ट टू टेल अ लाय यू डोंट टेल मी अ स्टोरी शी डिड नॉट गिव मी अ नोटबुक रूल नाइन कम्पलीटेड रूल टेन डू डज डिड का प्रयोग क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है डू do, डज तथा डिड के बाद हमेशा एमवी वन का प्रयोग होता है जैसे डज ही राइट अ लेटर डिड ही कम yesterday? do डू यू लव मी रूल टेन rule रूल इलेवन डू डज डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस तथा सिंपल पास टेंस के सेंटेंसेस को इम्फेटिक बनाने के लिए किया जाता है जैसे ही डज सिंग अ सॉन्ग यू डू राइट अ लेटर ही डिड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क रूल इलेवन कम्प्लीटेड रूल ट्वेल्व डू का प्रयोग इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव तथा इम्फेटिक बनाने के लिए किया जाता है जैसे डोंट गो देर नेगेटिव डू सिंग इट अगेन इम्फेटिक रूल ट्वेल्व कम्पलीटेड रूल थर्टीन हैज हैव हैड का प्रयोग प्रेजेंट पास तथा फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेज में एमवी थ्री पास पार्टिसिपल के पहले होता है जैसे आई हैव मेड अ मिस्टेक यू हैव स्पोकन द ट्रूथ

इज़ आर एम वॉज वर हैज हैव हैड एटसेट्रा के बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग होता है जैसे आई एम टू सी हर टूमोरो वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ आई हैव टू मूव द फर्नीचर माई सेल्फ यूज ऑफ मॉडल ऑग्जिलियरी वर्ब्स ए यूज ऑफ कैन रूल वन कैन का प्रयोग पावर यानी शक्ति एबिलिटी, योग्यता तथा कैपेसिटी, सामर्थ्य यानी क्षमता को एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर यू कैन स्पीक इंग्लिश शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम आई कैन डिफीट माई ऑपोनेंट वी कैन क्लाइम माउंट आबू नोट इस प्रकार के सेंटेंसेज में कैन का अर्थ बी एबल टू बी केपेबल ऑफ नो हाउ टू को होता है जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश अर्थ फर्स्ट यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश सेकेंड यू आर केपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश थर्ड यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश रूल वन कंप्लीटेड। रूल टू कैन का प्रयोग परमिशन यानी अनुमति देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जैसे यू कैन गो नाउ यू कैन बाय पेन्स फ्रॉम द शॉप कैन आई गो टू दिनेमा टू नाइट कैन आई सी योर डायरी स्टॉप यू कॉन्ट डू दैट। नोट फर्स्ट इस प्रकार के सेंटेंसेज में कैन का अर्थ बी अलाउड टू और टू बी परमिटेड टू होता है जैसे यू कैन गो नाउ अर्थ फर्स्ट यू आर अलाउड टू गो नाउ सेकेंड यू आर परमिटेड टू गो नाउ सेकेंड परमिशन देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन के बदले मे के प्रयोग को ज्यादातर ज्यादा बेहतर और उपयुक्त तो माना जाता है थर्ड परमिशन लेने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए मे के प्रयोग को ज्यादा बेहतर और उपयुक्त तो माना जाता है अतः हम लोगों को परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग ही करना चाहिए न कि कैन का रूल टू कम्प्लीटेड रूल थ्री कैन का प्रयोग थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी सैद्धांतिक संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जैसे एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक इट कांट बी ट्रू इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस रूल थ्री कम्प्लीटेड रूल फोर कैन का प्रयोग हैबिट यानी आदत और नेचर स्वभाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जैसे अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस एन ऑनेस्ट मैन cannot नॉट हार्म एनी वन बी यूज ऑफ कुड रूल वन का प्रयोग कैन के पास टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है जैसे ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस डायरेक्ट He said that he could beat me in the race. Indirect. He said I can solve this sum. Direct. He, I said that I could solve that sum. Indirect. Page 245 Rule 2 Could ka prayog past ability, power, capacity, भूतकाल में निहित योग्यता, शक्ति, सामर्थ को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जैसे, my brother could drive a car at the age of sixteen. he could pass the board examination. When I was young, I could outrun him. Outrun verb वर्ब से अधिक तेज दौड़ना या दौड़ में आगे निकल जाना है नोट इन सेंटेंसेज में कुड के प्रयोग से क्षमता का बोध हो रहा है कार्य के पूरे होने का नहीं कोई कार्य या व्यापार समाप्त हुआ का बोध कराने के लिए वॉज या वर एबल टू मैनेज टू सक्सीडेड इन एटसेट्रा का प्रयोग होता है जैसे नंबर वन ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन उसे बोर्ड परीक्षा पास करने की क्षमता थी परंतु पास किया या नहीं ये मालूम नहीं अर्थ ही वॉज एबल टू पास द बोर्ड एग्जामिनेशन ही पास द बोर्ड एग्जामिनेशन वो शक्ति और सामर्थ्य के कारण बोर्ड परीक्षा पास कर सका रूल टू कम्प्लीटेड रूल थ्री कूड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है जैसे कूड यू हेल्प हर प्लीज कूड आई स्मोक हियर, कूड आई बोरो योर नोटबुक फॉर टू डेज कूड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर नोट पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन विनम्र निवेदन या अनुमति के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन तथा मे की अपेक्षा कूड के प्रयोग को ज्यादा बेहतर और उपयुक्त माना जाता है रूल थ्री कम्प्लीटेड रूल फोर कुड़ का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन अवास्तविक परिस्थिति को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेज में होता है जैसे इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ मोटरसाइकिल पॉसिबिलिटी इफ यू वर्क हार्ड यू कुड सक्सीड पॉसिबिलिटी रूल फोर कंप्लीटेड सी यूज ऑफ मे रूल वन मे का प्रयोग टू टेक और गिव परमिशन अनुमति देने या लेने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जैसे क्वेश्चन मे आई यूज योर मोबाइल आंसर यस यू मे क्वेश्चन मे आई कम इन सर आंसर नो यू मे नॉट क्वेश्चन मे आई गो आउट मैडम आंसर यस यू मे क्वेश्चन मे शी लिव विद यू आंसर यस शी मे लिव विद मी नोट फर्स्ट इस प्रकार के सेंटेंसेस में मे का प्रयोग भी बी अलाउड के अर्थ में होता है जैसे यू मे गो नाउ अर्थ यू आर अलाउड टू गो नाउ सेकेंड फॉर्मल स्टाइल में टू गिव परमिशन अनुमति देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन से ज्यादा मे का प्रयोग प्रचलन में है रूल वन कम्प्लीटेड रूल टू मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी अनसर्टेनिटी संभावना यानी अनिश्चितता के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जैसे इट may रेन today योर अंकल may कम today शी may कम लेट today i आई buy बाय अ कलर टीवी दिस it may बी ट्रू रूल टू completed रूल थ्री may का प्रयोग विश प्रे ब्लेस कर्स इच्छा या अभिलाषा प्रार्थना आशीर्वाद अभिशाप को एक्सप्रेस करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है जैसे मे यू लिव लॉन्ग मे गॉड ब्लेस यू may you have a happy and long life may you succeed in life may यू आर publisher live long रूल थ्री कंप्लीटेड रूल फोर यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबॉर्डिनेट क्लॉज दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट यानी प्रारंभ हो तथा इससे पर्पज उद्देश्य का बोध हो तो सबॉर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होता है जैसे आई वर्क हार्ड दैट और सो दैट और इन ऑर्डर दैट आई मे सक्सीड मैं कठिन परिश्रम करता हूं ताकि मैं सफल हो सकूं। वी ईट दैट और सो दैट इन ऑर्डर दैट वी मे लिव हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सकें वी ओबे आर एल्डर्स दैट और सो दैट और इन ऑर्डर दैट वी मे प्रोस्पर इन आर लाइफ हम लोग अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं ताकि हम लोग अपने जीवन में उन्नति कर सकें रूल फोर कंप्लीटेड रूल फाइव मे का प्रयोग अनसर्टेनिटी और सरप्राइज अनिश्चितता या आश्चर्य के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जैसे हाउ ओल्ड शी मे बी हु मे बी देर रूल फाइव कंप्लीटेड डी यूज ऑफ माइट रूल वन माइट का प्रयोग मे के पास फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है जैसे ही सेड यू मे गो नाउ डायरेक्ट ही सेट दैट आई माइट गो दे इन डायरेक्ट ही सेड मे यू लिव लोंग डायरेक्ट ही सेट दैट आई माइट लिव लॉन्ग इन डायरेक्ट रूल वन कम्पलीटेड रूल टू माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी कम संभावना के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जैसे लेस पॉसिबिलिटी कम संभावना नंबर वन इट माइट रेन टूडे More possibility, adik Sambhavana, it may rain today. Less possibility, number two, her husband might come any, any time. More possibility, her husband may come any time. Less possibility, three, you might love me. More possibility, you may love me. Less possibility, she might come late. More possibility, she may come late. नोट फर्स्ट जब किसी कार्य या व्यापार के होने की बहुत अधिक संभावना हो तो कैन का प्रयोग होता है सेकंड कैन से कम संभावना के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए मे का प्रयोग होता है थर्ड मे से कम संभावना के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए माइट का प्रयोग होता है रूल टू कम्प्लीटेड रूल थ्री माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन यानी विनम्र निवेदन या अनुमति के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जैसे माइट आई आस्क अ क्वेश्चन यू माइट मेक अ लिटल लेस नॉइज नोट फर्स्ट अब तक हम लोगों ने देखा कि पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन कूड मे तथा माइट का प्रयोग किया जाता है पेज 246, फोर्टी सिक्स सेकेंड लेकिन कैन या मे की अपेक्षा अधिक विनम्रता तथा झिझक के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कुड या माइट का प्रयोग किया जाता है थर्ड कैन से ज्यादा पोलाइटनेस यानी विनम्रता के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है रूल थ्री कम्प्लीटेड रूल फोर सपोजिशनल सेंटेंस आई विश वी विश ही विशेज शी विशेज एज इफ एज दो इफ ओनली सपोज से स्टार्ट होते हैं इससे कोरी कल्पना का बोध होता है कल्पना को एक्सप्रेस करने वाले क्लॉज में माइट का प्रयोग होता है जैसे If you worked hard, you might succeed. I wish he might have seen Mother India. If you had left your notebook there, somebody might have stolen it. Rule 4 completed.